अस्सलाम वालेकुम, गुल मुस्तफ़ा इज़ हियर। आज हम बात करेंगे कि आपने जो LMS पे अपने कोर्स को कंप्लीट किया है उसका सर्टिफिकेट आप कैसे हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आप LMS की वेबसाइट पे आएंगे, जैसे आप देख रहे हैं lms.snc.punjab.gov.pk। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि राइट साइड पे ऊपर देखें जहाँ पे लॉगिन होता है, ये जो ताला सा बना हुआ है यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे पुट करता हूँ। जैसे ही मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दूँगा तो मेरे सामने मेरा कोर्स ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही हम अपने कोर्स में आते हैं तो नीचे आपका आर्ट्स है, साइंस है या जनरल नॉलेज है, कुछ भी है, आपने पहले कोर्स पे क्लिक करना है। याद रखिए तीनों कोर्सेज़ के अलग अलग सर्टिफिकेट होंगे। अब आपने देखना है कि फ़र्ज़ करें आपने 97% मार्क जो है कर लिया था, अब ट्रेनर ने आपकी अटेंडेंस जैसे मार्क की, आपको ग्रेड किया, तो अब यहाँ पे ये 97 नहीं होगा बल्कि अब ये 100% होगा। 100% कहाँ पे होगा, ये एंड पे, यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ देखिए ऑन द अप्रूवल ऑफ MT 100% जो है, अगर ये 100% नहीं है, सर्टिफिकेट आपका रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर एक्टिविटीज़ हैं इनमें से कोई ना कोई खाली रह गई है। आप इसको एक बार अगेन चेक करेंगे, जो भी एक्टिविटी खाली रह गई है उसको अटेम्प्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सबसे नीचे चले आएंगे। यहाँ पे देखिए हमने टीम सेशन अटेंडेंस पे क्लिक करके अपनी असाइनमेंट को सबमिट किया था, अब उसी के बिल्कुल नीचे कोर्स सर्टिफिकेट है। जैसे ही आपकी ग्रेडिंग हो चुकी है यहाँ पे कोर्स का सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यों अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीम सेशन अटेंडेंस अगर आप कंप्लीट और पास कर चुके हैं, एक्टिविटी नंबर एक आपने कर ली है, तीन कर ली है, छः कर ली है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ मेंशन हैं कि ये लाजमी होनी चाहिए। एक्टिविटी नंबर एक एक्सप्लोरिंग ओरिएंटेशन टू ESL, उसके बाद नंबर 4, उसके बाद नंबर 6, उसके बाद नंबर 1, उसके बाद नंबर 3, 4, 6, इस तरह ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है कि ये कंप्लीट हैं आपकी, सब कुछ ओके है। अब आपने अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर चले आइए, इस कोर्स से बाहर निकलेंगे हम कैसे, यहाँ पे हमने अब आना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। जैसे ही हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे और हमारी प्रोफाइल कहाँ पे होगी, ये देखिए जहाँ पे ये रेड है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऊपर देखिए डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ग्रेड, मैसेज, प्रेफरेंस और लॉगआउट, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा मैं। तो प्रोफाइल पे क्लिक करना हमारे लिए क्यों लाजमी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मुकम्मल आपकी प्रोफाइल होगी, जैसे मेरी प्रोफाइल आपको नज़र आ रही है, हम इसको देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्यों आए हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट पे हमने अपना पूरा नाम लिखना है, और वो नाम हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एडिट प्रोफाइल है, एडिट पे क्लिक कीजिए आप, यहाँ पे फर्स्ट नेम है और सर नेम है, आप फर्स्ट नेम में जहाँ पे गुल लिखा है, गुल मुस्तफ़ा, यानी कि अपना आप नाम पूरा लिख लें, पूरा कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ ये नाम वाली जगह करके आप इसको सेव कर देंगे। जैसे ही अपडेट आप प्रोफाइल करेंगे, मैंने जिसको अपडेट और प्रोफाइल किया है तो मेरा नाम जो है वो फर्स्ट पे सेव हो जाएगा। देखें यहाँ पे गुल मुस्तफ़ा फर्स्ट नेम में पूरा नाम लिखना है। अब क्या करना है, अब अगेन चले आइए डैशबोर्ड के ऊपर, उसी कोर्स के ऊपर जो हम 100% कर चुके हैं, जहाँ से हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। अब पहले इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल हमने अपडेट कर ली, नाम अपना चेंज कर लिया, उसके बाद जैसे एंड पे आके ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे कोर्स सर्टिफिकेट है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डाउनलोड सर्टिफिकेट, आप इसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपके सामने इस तरह का सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे आपका नाम लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे आपका एक यूनिक जो है बार कोड भी है उसके ऊपर, यानी कि उस बार कोड में आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने ये वाला कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ लेके हाज़िर होता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।